हाय एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका इस बहुत ही खास और स्पेशल इम्पोर्टेंट वीडियोस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के बीएड फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सब्जेक्ट्स फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल परस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन, इसकी पहली यूनिट के दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है बच्चों, ये आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये आपका सिलेबस है, ठीक है। इस सिलेबस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ ऐसे पॉइंट है जिससे हर बार आपसे सवाल पूछे जाते हैं। वो सवाल कौन कौन से आइए ज़रा उस पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसके आंसर्स की तरफ भी चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए, आपके फर्स्ट यूनिट में टोटल आपके तीन पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट क्या है, मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे एक सवाल आता ही आता है। मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशन से डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एज अ प्रोसेस और एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन, मतलब एजुकेशन एक प्रोसेस, जैसे शिक्षा एक इंसान को कैसे बेहतर बनाती है, और शिक्षा एक सब्जेक्ट के रूप में कितना महत्व है, शिक्षा का एक सब्जेक्ट के रूप में क्या योगदान है, ठीक है। और शिक्षा का नॉर्मल जीवन में, जैसे कि बिना सब्जेक्ट के भी हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, परिवार से, समाज से, देश दुनिया से, दोस्त से, मम्मी पापा से, मित्र से, तो हम उस शिक्षा में और किताबी शिक्षा में क्या अंतर है। दूसरा दोस्तों, मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य और लक्ष्य में क्या अंतर होता है, ये देखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य और लक्ष्य में अंतर क्या होता है, नीड ऑफ डेफिनेट एम ऑफ एजुकेशन, बेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एम ऑफ एजुकेशन इन द प्रेजेंट डेमोक्रेटिक इंडिया। अब यहाँ पे कुछ सवाल है, जैसे कि पहला आपसे सवाल है कि एम ऑफ एजुकेशन इन द प्रेजेंट डेमोक्रेटिक इंडिया, वर्तमान लोकतांत्रिक देश में शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है, ये एक पॉइंट है। दूसरा कि लक्ष्य और उद्देश्य में क्या अंतर है, लक्ष्य और उद्देश्य में क्या अंतर है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट दोस्तों, नीड ऑफ डेफिनाइट एम्स, मतलब परिभाषित उद्देश्य की जरूरत क्या है, शिक्षा की परिभाषित उद्देश्य, परिभाषित उद्देश्य का मतलब, डेफिनेट एड का मतलब कि हमें पता है कि हमें ये उद्देश्य को प्राप्त कर, डेफिनाइट का मतलब हमें परिभाषित है, अनडिफाइंड का मतलब जो हमें परिभाषित नहीं है, तो परिभाषित शिक्षा के उद्देश्य का क्या महत्व है, ये एक पॉइंट हो गया। लास्ट पॉइंट दोस्तों, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, मतलब शैक्षिक अभिकरण, एजेंसी का मतलब जैसे शिक्षा हमें किन किन अभिकरणों से प्राप्त हो सकता है, किन किन एजेंसी से प्राप्त हो सकता है। इसमें तीन टाइप आपको दिए हो गए होंगे, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब फॉर्मल का मतलब देखिए, फॉर्मल तौर पे अगर आप देखेंगे तो स्कूल में जाके शिक्षा प्राप्त करना, ये आपका फॉर्मल हो गया। दूसरा दोस्तों, आप अपने परिवार से भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, माँ बाप से भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, घर पड़ोस आसपास समाज से भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों, स्कूल से शिक्षा तो प्राप्त कर रहे हैं लेकिन स्कूल नहीं जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस लर्निंग। तो इस तरीके के तीन तरीके के आपके शैक्षिक अभिकरण दिए गए हैं, इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। अगला दिया दोस्तों, रोल ऑफ होम, फैमिली, स्कूल एंड द एजुकेशन, इन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, कि बच्चे की शिक्षा व्यवस्था में स्कूल का क्या योगदान है और परिवार का क्या योगदान है, समाज का क्या योगदान है, राज्य का क्या योगदान है, इस तरीके से सवाल आपके पूछे जाएंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपके बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, खूब लड़ी मर्दानी थी वो, झांसी वाली रानी थी। तो हम यहाँ के बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए बात कर रहे हैं। आशा करते हैं आपको सब्जेक्ट का सिलेबस समझ में आया होगा। अगर सिलेबस समझ में आया है तो ज़रा आइए शॉर्ट में कुछ पॉइंट्स के आंसर देखते हैं इसी वीडियो में, ठीक है। उसके बाद बचे हुए तो अगले वीडियो में देखेंगे। तो आइए, स्वागत है आपका, चलिए शुरू करते हैं, इसके कुछ आंसर देखेंगे। ओके, तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहले सबसे पहला पॉइंट हम क्या देखेंगे इसमें, हम सबसे पहला पॉइंट देखेंगे दोस्तों कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है, मतलब एजुकेशन हम किसे कहते हैं। एजुकेशन देखिए दो शब्द हैं, दो तरीके से अर्थ हैं। पहला एक शाब्दिक अर्थ, लिटरल मीनिंग जिसको कहा जाता है। एक नंबर में सवाल आपसे ये पूछा कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, तो अगर हम शाब्दिक अर्थों की बात करें कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, और एजुकेशन दोस्तों लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से, कुछ लोगों का मानना है कि शिक्षा एडुकेटम से बनी है, शिक्षा एडुकेयर से बनी है, एडुकेयर से बनी है और एडुकेटम से बने हैं, इनसे माना जाता है कि शिक्षा अंग्रेजी में इनसे उत्पत्ति हुई है। अब इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, देखिए अगर हम एडुकेटम की बात करें तो इसका मतलब होता है शिक्षित करना, और एडिको की बात करें दोस्तों तो ई का मतलब होता है अंदर और डिको का मतलब होता है आगे की ओर बढ़ाना, मतलब किसी मनुष्य को आंतरिक तौर पे उसे आगे बढ़ाना, वास्तव में यही एजुकेशन कहलाता है, ठीक है। ये हो गई दोस्तों इसकी लिटरल मीनिंग की बात। अगर हम कुछ और इसके अर्थ की बात करें, जैसे कि इसी प्रकार एजुकेशन का अर्थ क्या हो गया भाई, बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करने की क्रिया, ठीक है। एडुकेयर, एडुसियर, एडुसियर का मतलब क्या भाई,
विकसित करना अथवा निकालना, टू लीड आउट मतलब उसके अंदर की शक्तियों को बाहर निकालना, टू लीड आउट। एडुकेयर का मतलब बाहर निकालना अथवा विकसित करना, टू एडुकेट, टू ब्रिंग अप और टू रेज मतलब उनको बढ़ाना, आगे बढ़ाना। तो ये हो गए इसके शाब्दिक मीनिंग, ठीक है। आपको ये सब याद नहीं करना, आपको दो तीन पॉइंट याद कर लेना कि शब्द से उत्पत्ति हुई है, इसका मतलब क्या होता है, राइट। यहाँ पे जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि शिक्षा शब्द को कैसे परिभाषित किया गया, राइट। तो शिक्षा शब्द को भारतीय दृष्टिकोण से अगर हम देखें, ये तो अभी हम एजुकेशन की बात कर रहे थे, अगर हम शिक्षक शब्द की भारतीय अर्थ के आधार पर देखें तो शिक्षा, आपको पता है शिक्षा मतलब संस्कृत शब्द से बना है, संस्कृत शब्द शिक्षा शब्द शिक्ष धातु से अप्रत्यय लगाने से बना है, ठीक। शिक्षा का अर्थ होता है सीखना या सिखाना, करेक्ट। इसी प्रकार शिक्षा का शाब्दिक अर्थ हुआ सीखने सिखाने की क्रिया। ये हम शिक्षा शब्द की बात कर रहे हैं और शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगाने से बना है, करेक्ट। ओके, अब यहाँ तक बात समझ में आ गई, शिक्षा की शाब्दिक अर्थ समझ में आ गई, एजुकेशन की शाब्दिक समझ में आ गई। अब यहाँ से दोस्तों शिक्षा की अगर अर्थ की बात करेंगे तो शिक्षा के अर्थ को दो तरीके से निकाला जाता है। पहला क्या है, पहला है शिक्षा का संकुचित अर्थ मतलब नैरो सेंस में माइंड। अब नैरो सेंस का मतलब क्या हुआ, संकुचित शब्द का मतलब क्या हुआ, संकुचित शब्द का मतलब जैसे अगर मैं कहूँ कि एक लड़कियों के तौर पर एक लड़की को अगर हम नैरो थॉट में देखेंगे तो कैसे देखेंगे, लड़की है घर का चूल्हा चौकी करेगी, घर का बर्तन तो करेगी, तो ये नैरो सेंस हो गया। ब्रॉड सेंस विस्तृत सोच क्या कहती है कि लड़की भी एक इंसान है, उसके अंदर भी पोटेंशियल है, उसके अंदर भी क्षमताएं हैं, वो जो चाहे कर सकती है, वो चाहे तो मंगल ग्रह पे जा सकती है, चाहे तो बहुत अच्छी डॉक्टर बन सकती है, चाहे तो स्पोर्ट्स में अच्छा काम कर सकती है। तो ये क्या होगा, ब्रॉडर सेंस में ये बात हो गई। वैसे ही अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा की अगर हम नैरो सेंस की बात करें, आप बस समझ जाइए, समझ करेंगे मतलब शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो हम स्कूलों से प्राप्त करते हैं, किताबों से प्राप्त करते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, आगे पढ़ने की बात। तो जब हम शिक्षा को किताबों और स्कूलों तक सीमित कर देते हैं, एक निश्चित अवधि तक सीमित कर देते हैं, तो यह शिक्षा का संकुचित अर्थ हो जाता है। जबकि इसके विपरीत जब हम शिक्षा को मानते हैं कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन से लेके जन्म से लेके मृत्यु तक चलती है, तो हम इस सेंस को हम कहते हैं ब्रॉडर सेंस यानी कि व्यापक अर्थ। अब आइए जरा शिक्षा को कुछ परिभाषाएं देखते हैं विद्वानों के अनुसार। तो जे एस मैकेंजी ने कहा था कि संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय हमारी शक्तियों के विकास और उन्नति के लिए चेतनापूर्वक किए गए प्रयासों से हो सकता है। इन्होंने कहा था जे एस मैकेंजी ने। अगला कुछ परिभाषा अगर हम देखें तो जबकि ड्राइवर ने कहा था, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि शिक्षा के अर्थ के बारे में कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान चरित्र और व्यवहार को विशेष साचे में ढाला जा सकता है। तो इन लोगों ने शिक्षा की इस प्रकार परिभाषा करी। और जैसे मैंने बात करा था ना व्यापक अर्थ, तो व्यापक अर्थ में जे एस मैकेंजी द्वारा उन्होंने कहा है कि व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है मतलब जीवन भर चलती रहती है, जीवन में प्रायः प्रत्येक अनुभव से उसके भंडार में वृद्धि होती है। तो वही कहा जब स्कूल तक हम शिक्षा को सीमित कर देंगे वो संकुचित अर्थ हो जाएगा, लेकिन हम मानेंगे कि शिक्षा जो है वो जीवन प्रयत्न जन्म से के मृत्यु तक चलती है, तो उसे हम मानेंगे। देखो यहाँ लिखा फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव, क्रैडल मतलब बच्चा जो माँ गोद में रहता है, फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव तक ये शिक्षा चलने वाली प्रक्रिया है, तो हम इसे क्या कहेंगे, व्यापक अर्थ कहेंगे। शिक्षा के व्यापक अर्थ में से अभिप्राय आते हैं सभी वो प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं, ये प्रोफेसर डिम्बिल ने कहा था। समझ में आ गई बात, चलिए समझ में आ गई, बस ऐसे समझते हुए चलना है। अब अगला पॉइंट आपका आ जाता है द नेचर ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा की प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशन। अब शिक्षा की प्रकृति क्या होती है, मैं कह दूँ क्या इंसान शिक्षा जैसे जैसे हासिल करता है वो समाज से जुड़ने लगता है, आप इस बात को मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। तो आप कह सकते हैं कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके तीनों प्रमुख अंग सीखने वाला, सिखाने वाला और सीखने सिखाने के विषय सामग्री अथवा प्रक्रियाएं होती हैं, मतलब एक सामाजिक प्रक्रिया जिसमें तीनों चीज़ें आती हैं, एक सीखने वाला व्यक्ति होता है, सिखाने वाला व्यक्ति है, और जो चीज़ें सिखाई जा रही है वो होती हैं, और सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया, इंसान जैसे जैसे सीखता है वो समाज से जुड़ता हुआ जाता है। बहुत अच्छा, संकुचित अर्थ में माना जाए कि शिक्षा की प्रक्रिया विद्यालय में ही चलती है, जबकि व्यापक अर्थ में प्रक्रिया समाज में निरंतर चलती रहती है। तो ये हम देख रहे हैं नेचर ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल इसमें कोई डाउट है आपको, जैसे ये संकुचित और व्यापक में कोई डाउट तो नहीं है बाबू। संकुचित मतलब शिक्षा विद्यालय में चलती है और व्यापक का मतलब शिक्षा जीवन प्रयत्न चलती रहती है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस चलती रहती है। इसकी प्रकृति की बात करें तो शिक्षा के उद्देश्य समाज द्वारा निश्चित होते हैं और विकासोन्मुख होते हैं, शिक्षा इस उद्देश्य की प्राप्ति की क्रमक व्यवस्था है, स उद्देश्य प्रक्रिया। बहुत ज़्यादा हिंदी हो गया, कहने का मतलब दोस्तों शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं ना
उस समाज को एक निश्चित आगे की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। और शिक्षा के उद्देश्य प्राप्ति के लिए हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक प्रोसेस बनाते हैं, प्रोग्रेस बनाते हैं, सिस्टमेटिक के क्या स्टेप बनाए रखते हैं, करेक्ट। व्यापक अर्थ में शिक्षा विधि अति व्यापक होती है परंतु संकुचित अर्थ में निश्चित पर्याय होते हैं। मतलब वही बात है कि जब व्यापक की बात करें तो शिक्षा की कई विधियाँ होती हैं, खेल से सीखना, समाज से सीखना, घूम के सीखना, जबकि संकुचित अर्थ में कुछ निश्चित विधियाँ होती है कि स्कूल से सीखना, किताबों से सीखना, ठीक है। ये प्रक्रियाएँ हैं, प्रकृति है दोस्तों। व्यापक अर्थ में शिक्षा की विषय सामग्री अति व्यापक होती है जिसका सीमांकन संभव नहीं है। सीमांकन व्यापक का मतलब, देखो शिक्षा का मतलब हम खेल से सीख रहे हैं तो क्या इसके लिमिटेशन करेंगे, ये तो व्यापक है। जबकि संकुचित में इसका सीमांकन है, जैसे कि हम पाठ्यक्रम से सीखेंगे, हम किताबों से सीखेंगे, तो दीज ऑल आर नथिंग बट द नेचर ऑफ एजुकेशन। ओके, शिक्षा की कुछ और देख लेते हैं। शिक्षा का स्वरूप समाज के स्वरूप, शासन तंत्र, अर्थतंत्र एवं वैज्ञानिक प्रगति आदि पर निर्भर करता है। शिक्षा का स्वरूप समाज के स्वरूप, शासन तंत्र पर, एग्जैक्टली। अब जैसे शासन जिस प्रकार से रहेगी ना, वो अपने हिसाब से शिक्षा को ढाल लेगी, ठीक है। अब जैसे वैदिक काल में वेदों की शिक्षा दी जाती थी, बौद्धिक काल में बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, मुस्लिम काल में मुस्लिम धर्म की शिक्षा दी जाती थी, तो जिस प्रकार से शासन रहेगा उस प्रकार से शिक्षा को ढाला जा सकता है, एग्जैक्टली। और समाज पे भी निर्भर करता है कि उस समय समाज की क्या डिमांड है या वो समाज कौन सा शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक्टिव है, करेक्ट। शिक्षा की प्रकृति गतिशील होती है क्योंकि समाज के रूप स्वरूप, शासन तंत्र, अर्थ तंत्र और वैज्ञानिक परिवर्तनों के साथ साथ उसकी शिक्षा स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है, गतिशील है, फिक्स नहीं है, चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। पहले मैथ्स की 6-6 किताबें होती थी, फिर 3 किताबें हुई, 2 किताबें हुई, अभी मैथ्स की 1 किताब हुई, उसी में तो क्या होता है, चेंजेस होते रहते हैं। ये गतिशील प्रक्रिया, फ्लेक्सिबल कह सकते हैं, लचीला कह सकते हैं, परिवर्तनशील कह सकते हैं, गतिशील कह सकते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट इसको देख लेते हैं दोस्तों। अगला जो पॉइंट है, लक्ष्य तथा उद्देश्य में अंतर। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, शैक्षिक उद्देश्य और शिक्षण उद्देश्य, मतलब शिक्षण लक्ष्य कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। शैक्षिक उद्देश्य और शिक्षण उद्देश्य, यानी कि लक्ष्य और उद्देश्य का अंतर का मतलब क्या होता है। चलिए लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर हम देख लेते हैं। तो देखिए पहले समझ जाते हैं लक्ष्य और उद्देश्य। मैं अगर आपसे एक बात कहूँ, एक फुटबॉल का मैच हो रहा है, राइट। फुटबॉल के मैच में एक फुटबॉल प्लेयर है, वो गोल मारना उसका उद्देश्य होता है कि मुझे आज गोल मारना है, 1 गोल मारना है, 2 गोल मारना है, ज़्यादा से ज़्यादा गोल मारना है। लेकिन उसका लक्ष्य क्या होता है, लक्ष्य होता है उसको मैच जीतना, ये उसका मैच जीतना उसका क्या होता है, लक्ष्य होता है। अगर आप बीएड के स्टूडेंट हैं तो जैसे आपका उद्देश्य क्या है, आपका उद्देश्य है कि मुझे बीएड करना है, फिर सीटेट क्वालिफाई करना है, सीटेट के बाद यूपी टेट, पेपर 1 पेपर 2, ये क्वालिफाई करना है। लेकिन आपका उद्देश्य क्या है दोस्तों, आपका उद्देश्य एक टीचर बनना है, करेक्ट। आपको तो उद्देश्य, सॉरी, आपका लक्ष्य क्या है, आपका गोल क्या है, आपका एम्स क्या है, आपका है बच्चों, वो है टीचर बनना। तो ठीक उसी तरह उद्देश्य का मतलब आपके छोटे छोटे उद्देश्य जिसको पार करते हुए आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। समझ में आ गया उद्देश्य और लक्ष्य में अंतर। तो इसी प्रकार से दोस्तों उद्देश्य और लक्ष्य के यही अंतर होता है। अब आइए जरा 1x1 पॉइंट से देखेंगे। अब आप इस वाले पॉइंट को लक्ष्य समझिएगा, ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको आपको लक्ष्य समझना है, मतलब इसको टारगेट समझना है, एम समझना है, ओके। इसको आपको ऑब्जेक्टिव समझना है, उद्देश्य समझना है, ठीक है। अब आइए जरा इसको देख लेते हैं। तो लक्ष्य की बात करें, लक्ष्य में क्या है भाई, लक्ष्य उद्देश्य में निहित होता है। लक्ष्य क्या है, उद्देश्य में निहित होता है, उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होता है, ठीक है। लक्ष्य में उद्देश्य निहित, वही तो मैं समझ कह रहा था। जो लक्ष्य है भाई हमारा, जो लक्ष्य है टीचर बनना, उसमें हमारा उद्देश्य बीएड करना निहित है। अगर कोई बच्चा आपसे ये कह दे कि मैं फुटबॉल का मैच जीतना चाहता हूँ, इसका मतलब उसका उद्देश्य शामिल है कि वो गोल करना चाहता है, राइट। अगर कोई कह दे कि मैं क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीतना चाहता हूँ, उसका मतलब वो अच्छा स्कोर करना चाहता है, ये उसमें शामिल है, ठीक है। अगर कोई बच्चा कहे मैं टीचर बनना चाहता हूँ, तो इसका मतलब कि वो ठीक है बीएड करना चाहता है, ठीक है। जो भी उसका छोटा ऑब्जेक्टिव होगा वो करना चाहता है, ठीक। वैसे ही अगला पॉइंट कह रहा था कि भाई उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होता है। जो भी आपका उद्देश्य होगा वो आपकी लक्ष्य में प्राप्ति में सहायक होगा। बीएड करना मेरा उद्देश्य है तो हमारा जो टीचर बनने का लक्ष्य है उसमें सहायक होगा। सीटेट करना मेरा उद्देश्य है तो जो मेरा लक्ष्य है टीचर बनने का उसमें वो सहायक होगा। कोई डाउट नहीं। अगला पॉइंट, यह प्राप्त करना क्या प्राप्त करना है का उत्तर है। मतलब आपसे, आप क्या बनना चाहते हैं, मैं टीचर बनना चाहता हूँ, तो ये आपका लक्ष्य हो गया। क्या प्राप्त करना चाहते हैं आप, ये इसका उत्तर होता है लक्ष्य। और यह प्राप्त कैसे करना है, आप क्या बनना चाहते हैं, मैं टीचर बनना चाहता हूँ, ये मेरा लक्ष्य हो गया। कैसे बनेंगे, बीएड करेंगे, सीटेट करेंगे, यूपीटेट करेंगे, फिर हाई कोर्ट में केस लड़ेंगे। मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ, मतलब जोक सपाट
तो ये क्या हो गया, ये हमारा उद्देश्य हो गया कि छोटे छोटे उद्देश्य हमारे कि हमें सीटेट करना है, बीएड करना है, ये हमारा उद्देश्य हो गया। तो आपको कैसे टीचर बनना है, लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, ये उद्देश्य हमें बताता है। ठीक है, चलिए, लक्ष्य वह मंजिल होती है जिस पर जाना है और उद्देश्य वो मार्गदर्शन है जिससे होकर जाना है। कोई डाउट नहीं। लक्ष्य को लंबी अवधि में लक्ष्य को लंबी अवधि में प्राप्त किया जाता है। पहले आपने बीएड किया, फिर सीटेट किया, पहले ग्रेजुएशन किया, बीएड किया, सीटेट किया, यूपीटेट किया, फर्जी आई, फॉर्म भरा, ये सब, तो उसके बाद आप टीचर बने, तो लक्ष्य क्या लगता है, थोड़ा समय लगता है। उद्देश्य, छोटे छोटे उद्देश्य को आप पार करते जाते हैं। इसका आधार दार्शनिक होता है, इसका आधार मनोवैज्ञानिक होता है। ठीक है, दार्शनिक मतलब आपकी सोच पे, या मुझे ये बनना है। मनोवैज्ञानिक मतलब आप मन का विज्ञान, आप उसको वो पाने के लिए मुझे क्या करना है, उस पर आप आगे हुए बढ़ते हुए चलेंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों? अच्छा, यहीं पे हम खत्म करेंगे इस वीडियो में। हम इतना ही देखेंगे लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर, बाकी हम अगले वीडियो में इसको देखते हुए चलेंगे। चलिए, लक्ष्य का मापन करना आसान नहीं होता, लक्ष्य का मापन करना। उद्देश्य का मापन आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, अच्छी बात है। लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता, उद्देश्य को पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सकता है। सही है, टीचर बनना जैसे मान लीजिए आपको उद्देश्य, इसको बहुत हद तक पूर्ण रूप से, मतलब आप जैसे टीचर बन भी गए हैं तो उसमें भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और उद्देश्य का मतलब एक काम खत्म, आपका बीएड खत्म, तो फिर आपको दोबारा बीएड नहीं पढ़ना है, बीएड का एग्जाम नहीं देना, वो प्राप्ति हो गई आपकी। लेकिन टीचर बनने की प्राप्ति ये चलती रहती है, इसको क्या पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त कर सकते। पीआरटी बने आप, फिर टीजीटी की टीचर बनेंगे, पीजीटी बने, बढ़ते हुए जाएंगे। लक्ष्य किसी कार्यक्रम को दिशा प्रदान करता है, उससे उद्देश्य उस दिशा में एक विशेष बिंदु होता है। लक्ष्य क्या भाई, कोई कार्यक्रम का दिशा, कि हमें लक्ष्य की ओर जाना है तो हम ये दिशा है, उद्देश्य क्या है, बीच में आते हुए चलेंगे। इनका स्वरूप अधिक व्यापक होता है, बड़ा होता है, और इसका उद्देश्य थोड़ा सा संकुचित होता है, छोटा होता है। लक्ष्य का संबंध किसी विशेष विषयों से होता है, उद्देश्य का संबंध किसी एक विषय अथवा प्रकरण से होता है। लक्ष्य का उद्देश्य सभी विषयों से होता है। टीचर बनेंगे तो सभी टीचर से बनेंगे। ठीक है, उद्देश्य का संबंध किसी एक विशेष से, मतलब हमें सीटेट का ही पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आपको बना के लिखना है, जितने भी पॉइंट आपको याद आ जाए आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए, लास्ट दो चार और पॉइंट बचे हैं, उसके बाद आप कहेंगे तो इस वीडियो को हम समाप्त कर देंगे। लेकिन अगर आराम से आप देखते हुए चलेंगे, आसानी से आपका पेपर तैयार हो जाएगा। पहले यूनिट की टेंशन मत लीजिएगा, पहला यूनिट इतना काफ़ी है आपके बड़े क्वेश्चंस को मिलने के लिए। पहले देखते हैं, लक्ष्य की बात करें, लक्ष्य की प्राप्ति की जिम्मेदारी स्कूल व समाज की होती है, उद्देश्य की प्राप्ति जिम्मेदारी मुख्यतः विशेष प्राणी को होता है। अब लक्ष्य को प्राप्त करना ये समाज पे भी डिपेंड करता है, सरकार पे भी डिपेंड करता है कि कब वैकेंसीज आ रही है। तो बाकी उद्देश्य जैसे बीएड करना, सीटेट करना, ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिम्मेदारी स्कूल की भी होती है, समाज की भी होती है, और उद्देश्य की प्राप्ति स्वयं की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। लक्ष्य के परिणाम को तुरंत नहीं देखा जा सकता, उद्देश्य के परिणाम को कंपैरेटिवली तुलनात्मक तुरंत हम देख सकते हैं। लक्ष्य परोक्ष होता है तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, थोड़े थोड़े उद्देश्य प्राप्त करते हो, अप्रत्यक्ष रूप से लक्ष्य प्राप्त करते हैं, जबकि उद्देश्य प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जा सकता है। शैक्षिक उद्देश्य परिवर्तन होते हैं और शिक्षक उद्देश्य में ऐसी क्रियाएं लिए निश्चित होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, इसको वीडियो में ही समाप्त करेंगे, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तीन पॉइंट देखा हमने, शिक्षा का देखा, शिक्षा की अर्थ देखी, परिभाषा देखा, शिक्षा की प्रकृति देखी, उद्देश्य और लक्ष्य में अंतर देखा। तो शैक्षिक उद्देश्य पूरे राष्ट्र तथा समाज की प्रकृति को देखकर निर्धारित किए जाते हैं। शिक्षण उद्देश्य किसी क्रिया से जुड़े होते हैं। अगर कोई टॉपिक आपको पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाना है ये डिसाइड करेंगे, जबकि टीच वो क्यों वो पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कौन सा विषय पढ़ाना है आपके सिलेबस में, ये समाज और राष्ट्र को देख के तय करे जाते हैं। ये हो गया दोस्तों स्मॉल पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट अगर आप कहेंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि दोस्तों एक पॉइंट था ना कि लोकतांत्रिक देश में, भारत के लोकतांत्रिक देश में शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। ठीक है, तो 1986 या 1992 के द्वारा कुछ शिक्षा के लक्ष्य उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, तो अगर आप कहें तो हम देख लेते हैं। चलिए फटाफट से देख लिया जाए, तो चलिए देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किसी एक विशेष स्थान पर शिक्षा के उद्देश्य का विवरण नहीं दिया गया। शिक्षा नीति में विभिन्न भागों के अवलोकन पर शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य दृष्टिगोचर होते हैं, मतलब शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हमें दिखाई देते हैं, हमें प्राप्त होते हैं। क्या दोस्तों? पहली बात दोस्तों कि लोकतांत्रिक देश में अगर आप शिक्षा के उद्देश्य की बात करें तो परंपरागत मूल्यों की रक्षा, शिक्षा का आपका एक उद्देश्य होना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। जनशक्ति का विकास, हर एक व्यक्ति शक्तिशाली बने, महान बने, ताकतवर बने। समाजवादी मूल्यों का विकास, जो समाज को बेहतर बनाए, ऐसे मूल्यों का, वैल्यूज का विकास। धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों का विकास, सेकुलरिज्म की बात, ठीक है। लोकतंत्र के मूल्यों का विकास, भावात्मक तथा राष्ट्रीय एकता का विकास,
व्यावसायिक क्षमता का विकास और अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास आदि। तो ये सारे क्या हैं दोस्तों, शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत आप इन सबको लिख सकते हैं। चलिए अब दो प्रमुख, जो भारत के शिक्षा के दो प्रमुख लक्ष्य हैं भाई, पहला दोस्तों चरित्र का निर्माण। चरित्र का निर्माण ये बहुत ही खास है। चरित्र एक ऐसा चीज़ है दोस्तों, आपका कैरेक्टर एक ऐसा चीज़ है कि वो बता देगा आप क्या है। और जब बात शिक्षा की जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि स्कूली शिक्षा, शिक्षा का मतलब जो अपने परिवार से सीखा है। तो एक इंसान को हमेशा चरित्रवान होना चाहिए, मतलब एक अच्छा चरित्र का व्यक्ति होना चाहिए। दूसरों को देख के उसकी निगाहें सही रहे, उसका नीयत सही रहे, वो सही सोचे, गलत नज़र ना देखे, सबको जीने दो यार, मतलब क्या है इस दुनिया में। तो चरित्र के दोस्तों शिक्षा का बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा दोस्तों व्यावसायिक क्षमता का निर्माण। व्यावसायिक क्षमता का निर्माण का मतलब व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, तो वो खुद को बेरोजगार ना करे, मतलब कहीं ना कहीं से, चाहे वो जॉब के माध्यम से, शिक्षा पढ़ाई के माध्यम से, व्यवसाय के माध्यम से, किसी भी माध्यम से वो इस काबिल बन जाए कि वो अपने जीविकापार्जन, मतलब अपने दैनिक के लिए जो भी खर्चीले चीज़ें होती हैं, जो भी उसे व्यवसाय धन की ज़रूरत हो, वो उसका बंदोबस्त कर सके। समझ में आ रही है बच्चों? तो दो प्रमुख लक्ष्य हैं बच्चों शिक्षा की अगर हम बात करें, पहला क्या है चरित्र का निर्माण, और दूसरा क्या है दोस्तों व्यवसायिक क्षमता का निर्माण, मतलब व्यवसाय कर सके, रोजगार प्राप्त कर सके। ठीक है, समझ में आ गई। अब आइए कुछ और यहाँ पे उद्देश्य की बात कर लें, जैसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 द्वारा प्रस्तावित शिक्षा के उद्देश्य। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग हमें शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत क्या चीज़ें बताती हैं, छात्रों में आध्यात्मिकता का विकास हो, छात्रों में भारतीय संस्कृति का ज्ञान देना, ये हमारा शिक्षा के उद्देश्य कि हम बच्चों के अंदर भारतीय संस्कृति के बारे में बताएं। करेक्ट, छात्रों को अच्छा नागरिक बनाना बच्चों, मतलब गुड सिटीजन डेफिनेटली बनाना है भाई। चलो यार बन जाते हैं अच्छे सिटीजन, क्या ही लड़ना, क्या ही झगड़ना, क्या ही भेदभाव करना, क्यों है आपकी वजह से कोई परेशान हो, आपकी वजह से चाहे वो किसी की घर की बच्ची हो, क्यों मतलब परेशान करना, एक अच्छा इंसान बन जाते हैं यार। छात्र को अच्छा नागरिक बनाना, छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों के नेतृत्व के लिए तैयार करना, कहीं भी रहें लीडर बने, नेतृत्व करें। छात्रों को विश्व बंधुता की भावना का विकास करना, मतलब विश्व बंधु, पूरा विश्व क्या है, एक 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 परिवार है और भारत हमारा घर है, तो इस तरीके की भावना रखना। छात्रों का एक छात्रों का शारीरिक और मानसिक विकास करना, ठीक है, छात्रों का मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक सब विकास करना शिक्षा का उद्देश्य है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, जीवन का ज्ञान की विभिन्न शाखाओं को समन्वय स्थापित करना, विभिन्न जीवन की ज्ञान की विभिन्न शाखाओं से आपको क्या करना, जोड़ना, समन्वय स्थापित करना। छात्रों के जन्मजात गुणों की खोज निकालना तथा उन गुणों का प्रशिक्षण द्वारा विकास करना, जो भी टैलेंट है बच्चे के अंदर, बताए ना गॉड गिफ्टेड टैलेंट, उसकी पहचान करना, उसको निखारना, इसलिए अलग तरीके की एक्टिविटीज़ कराए जाते हैं, चाहे स्पोर्ट्स के रिलेटेड हो, ड्राइंग, सिंगिंग, डांस, तो ये सारी चीज़ें जो भी उसके अंदर प्रतिभा है उसको निकालना, उसको निखारना। छात्रों का चारित्रिक विकास, करेक्टर बेहतरीन करना है, और जिससे वो अनुशासित जीवन व्यतीत कर सके। छात्र को समाज के साथ समन्वय स्थापित करने योग्य बनाना, तो दीज ऑल आर एम्स ऑफ एजुकेशन। ये लास्ट पॉइंट है दोस्तों, लास्ट पॉइंट के बाद वीडियो को समाप्त करते हैं, बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, लेकिन यकीन मानिए ये अगर वीडियो आप अभी तक देख लिए ना, तो यकीन मानिए आपके बीएड एग्जाम्स में कम से कम 15 नंबर तो इससे आ ही जाना है। तो ये संविधान में बताई गई लोकतांत्रिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य बताए हैं, गणतांत्रिक नागरिकता का विकास और व्यावसायिक क्षमता का विकास और व्यक्तित्व का विकास, ये तीन प्रमुख उद्देश्य बताए गए हैं। चलिए बात समझ में आ गई दोस्तों, चलिए अब इस प्रकार से हम इस वीडियो को यही समाप्त करेंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए सहायक होगा, और धीरे धीरे हम ऐसे ही करके और वीडियो को हम देखेंगे, समझेंगे। तब तक आप क्या करना है, आपको चैनल से जुड़े हुए रहना है। तो अगर आपको ये PDF चाहिए, मेरे टेलीग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक होगा, मैं वहाँ से आपको भेज दूँगा। अगर आप एक बार मैसेज कर देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। बाकी अगर आप कमेंट में बता देंगे कि आपको PDF चाहिए या वीडियो कैसी लगी, तो मुझे तो बहुत प्रसन्नता होगी। तो मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसा लगा आपको, पढ़ने में अच्छा लगा कि नहीं लगा, और समझ जाइए, अपने शब्दों में लिखिए, बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा। आइए सपोर्ट करिए, एक साथ जुड़िए। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके BEd फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जितने भी वीडियोज़ हैं मैं आपको बनाऊँ ताकि आपके लिए फ़ायदा हो। एक खास बात जो अभी तक मैंने नहीं कहा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, नहीं जुड़े हैं चैनल से। तो मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों आपके अन्य टॉपिक के साथ। इसी यूनिट के एक और पॉइंट है जिसमें हमें डिस्कस करना है, शैक्षिक अभिकरण, एजुकेशनल एजेंसीज, तो उसमें आपका स्वागत है। चलिए अब वहाँ चलते हैं, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।